प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पंच लाइट कहानी का बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन सारांश लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं ना, तो आपका 5 अंक एकदम कंफर्म होने वाला है। 5 अंक तो कोई ले ही नहीं सकता आपका, ठीक है ना। प्लस आपको तनिक भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बार के वीडियो देखने में ही पंच लाइट कहानी का सारांश सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही इस सारांश को लिखने में मैंने आपको ये चीज़ भी ध्यान दिया है कि कितना लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे और कितना जो है लिखें कि हमारा टाइम वेस्टिंग ना हो, ठीक है ना। यानी कितना हमें लिखना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि हमें सभी प्रश्नों को करना पड़ता है समय से। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पंच लाइट कहानी के सारांश को बहुत ही सरल अर्थों में समझते हैं। बस आप सभी को वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखते रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में ऐसे ही हाइलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन हेडिंग आपको काले स्केच या फिर कह लो काले पेन से डालना है। लाल स्केच या फिर नीले का आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पंच लाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है, ठीक है। उसके बाद पंच लाइट का अर्थ है पेट्रोमिक्स अर्थात गैस की लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमिक्स खरीदा। अब पेट्रोमिक्स खरीदा का मतलब ये है कि रामनवमी के मेले से उन्होंने एक पंच लाइट खरीदा, क्योंकि पंच लाइट का अर्थ है पेट्रोमिक्स यानी गैस की लालटेन। तो उन्होंने रामनवमी के मेले से एक गैस की लालटेन कह लो या पंच लाइट खरीदा। उसके बाद गाँव वाले उसे पंच लाइट कहकर पुकारते थे, ठीक है। क्या कहते थे? पंच लाइट। अब लिखेंगे, अब प्रश्न उठता है कि पंच लाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि भाई खरीद तो लाए लेकिन अब पता नहीं है कि वो जलता कैसे है और प्लस उसको जलाने में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग होती हैं किसी को नहीं पता था। तो अब बड़ी दिक्कत हुई भाई, लोग सोचने लगे कि इसको जलाएंगे कैसे और कौन जलाएगा। भाई पहली बार गाँव में आई है पंच लाइट, तो कोई जलाना तो जानता नहीं था, है ना। इसलिए गाँव वालों में से किसी को भी पंच लाइट जलाना नहीं आता था। अब देखिए, गोधन की चर्चा होगी तो गोधन के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। गोधन जो है दोस्तों, उन्हीं की टोली का एक व्यक्ति था, लेकिन गोधन जो था ना, वो प्रेम बहुत करता था। किससे? गुलरी काकी की एक पुत्री थी जिनका नाम था मुनरी। गुलरी काकी की एक पुत्री थी जिनका नाम था मुनरी, और गोधन और मुनरी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो उनके इसी प्रेम भावना को देख करके लोग उनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, और इसीलिए गोधन को उन्होंने अपनी टीम से अलग कर दिया, अपने गाँव के समूह से उसको बाहर निकाल दिया था। लेकिन केवल गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंच लाइट जलाना जानता था। केवल गोधन पंच लाइट जलाना जानता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने सोचा, पंच लोगों ने सोचा कि यार पंच लाइट जलाने के लिए गोधन को बुलाना पड़ेगा, तो आखिर कौन व्यक्ति जाएगा गोधन को बुलाने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, यार गुलरी काकी को भेजो, गुलरी काकी के कहने पे गोधन जरूर आ जाएगा। इसलिए गुलरी काकी गोधन को बुला कर लाई और गोधन ने पूछा कि स्प्रिट कहाँ है। अब स्प्रिट का उपयोग किया जाता था दोस्तों पंच लाइट को जलाने में। तो भाई पहली बार पंच लाइट आई थी तो किसी को पता ही नहीं था कि स्प्रिट है क्या, और ना ही वो स्प्रिट खरीद करके लाए थे। तो स्प्रिट का नाम सुनकर के सभी लोग क्या हो गए, उदास हो गए। लेकिन गोधन ने होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंच लाइट को जला दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, पंच लाइट के जलते ही सभी लोगों में प्रसन्नता का माहौल छा गया, कीर्तन शुरू हो गया, गोधन ने सबका दिल जीत लिया, ठीक है। अभी तक कई लोग कहेंगे, भैया स्क्रीनशॉट लेने का मौका ही नहीं दिए हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आपको लिखना है बाद में दिक्कत ना हो। ये पहला स्क्रीनशॉट रहेगा, आपका दूसरा स्क्रीनशॉट रहेगा, अभी आपका सारांश बचा है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या बचा है। देखिए, प्रसन्नता का माहौल छा गया, गोधन ने सबका दिल जीत लिया, मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा, ठीक है। इसके बाद पंच लोग गोधन की सारी गलतियां माफ कर देते हैं और उसे पुनः अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से क्या हमें सीख मिलती है दोस्तों? इससे सीख ये मिलती है, इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने पंच लाइट के माध्यम से ग्रामीण सुधार की प्रेरणा दी है। ग्रामीण सुधार की प्रेरणा का मतलब ये है दोस्तों कि पंच लाइट के माध्यम से जो गांव में लोगों के बीच अलगाव था, यानी जो लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव था, वो प्रेम में बदल गया और गोधन को भी सब लोग प्रेम करने लगे और गोधन भी उनके टीम में सम्मिलित हो गया, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे, भैया सारांश तो आपने बहुत छोटा बताया, क्या इतने में हमें नंबर मिलेगा? अच्छा, आप बताइए, आपका प्रश्न जो रहता है पंच लाइट कहानी का सारांश लिखिए अधिकतम 80 शब्दों में, ऐसा रहता है। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कितने शब्द हैं,
मन हो तो वीडियो को रोक करके आप गिन लीजिएगा, अगर ये 100, 120, 130 शब्द से कम हो तो बताना, ठीक है। और इतना एग्जाम में लिख करके आएंगे ना तो कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, क्योंकि मैं सच्चाई आपको दिखा दूं, देखिए ये स्पाइरल का A4 साइज पेज है पूरा, देख लीजिए इतना बड़ा पूरा पेज है दोस्तों। तो ये मत सोचिए कि छोटा है, ये बहुत बड़ा है दोस्तों, बस इतना ही आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।